Hey guys, what's up? Very good morning. Myself Achika, and you're very, very heartily welcome on your YouTube channel, Be Positive. दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का हम एक एक करके जो प्रमुख खबरें हैं उनकी चर्चा करेंगे. तो आइए जानते हैं क्या क्या खबरें हैं. पहली खबर है, न्याय जनता के लिए जनता की भाषा में होना चाहिए. मुख्यमंत्रियों की, सभी राज्यों के और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक को संबोधित करते हुए हमारे CJI जो हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमणा जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ संबोधन दे रहे हैं. और उनका, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो न्याय की भाषा होनी चाहिए वो बहुत ही जन सामान्य होनी चाहिए और लोगों को समझ में आनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होना चाहिए. ये उच्च न्यायालय के संबंध में कहा जा रहा है. और ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो कार्यक्रम की जितनी भी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रखी गई है. और लेकिन उच्च न्यायालयों को ये छूट दिया गया है कि वो इंग्लिश के साथ साथ स्थानीय भाषा का भी यूज कर सकते हैं. इसमें इनका कहना ये है कि अगर न्याय जन सामान्य की समझ में नहीं आएगी, वो स्थानीय भाषा में नहीं होगी, तो वो बस एक अध्यादेश या राजपत्रित ऑर्डर के तरीके ही रह जाएगी. तो ये हमें समझ में आना चाहिए. इन्होंने न्याय के भारतीयकरण पे भी जोर दिया कि अभी बहुत टाइम हो गया है, जबकि हम बाहर के देशों के कुछ कुछ न्यायिक व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं और अभी उसका पूरी तरीके से भारतीयकरण करने पे हमें जोर देना चाहिए. और इन्हीं सब चीज़ों पे यहाँ पे बात करी गई. दूसरी खबर है, सभी को लक्ष्मण रेखा का रखना चाहिए ध्यान. ऐसा CJI रमणा जी कह रहे हैं. उनका कहना है कि लक्ष्मण रेखा का यहाँ पे मतलब है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों में बहुत अच्छे से उनके काम बटे हुए हैं और दोनों में कभी भी मतभेद और भिड़ंत हो ही नहीं सकती. और इन दोनों में तकरार की स्थिति तभी आती है जब न्यायपालिका कोई ऑर्डर नहीं कह सकते, कोई न्याय अगर वो बहाल करती है सबके लिए और वो जन सामान्य में लागू होने में अगर देरी होती है, फिर उसमें मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, इससे संबंधित जो याचिका होती है और जो नोटिस जारी होती है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारे मगअप हो जाते हैं केस को लेके. ठीक है, तो इसमें वही ये कह रहे हैं कि आप लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखिए. लक्ष्मण रेखा का मतलब यही है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बहुत ही परस्पर समरसता होनी चाहिए ताकि इतना मगब ना हो केस का और दोनों ही अंग अपना बहुत अच्छे से काम कर सकें. फिर खबर है, बिजली समस्या में सुधार दिखने में अभी लग सकते हैं 10 दिन. इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि कोयला का यहाँ पे सप्लाई ना हो पाना एक मेन वजह थी, जबकि इसके कि कोयला है ही नहीं हमारे देश में. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बकाया राशि राज्यों ने पे नहीं करी थी, इसकी वजह से प्रॉपर संयंत्रों तक कोयला नहीं पहुँच रहा था और अभी इस कार्य में तेज़ी दिख रही है. फिर भी नॉर्मल होने तक, यानी कि बिजली कटौती का कम होने तक अभी 10 दिन का समय और लग सकता है. ये ईडी ने जब्त की शाओमी के 5,551 करोड़ की राशि. ये आप जानते हैं शाओमी जो है वो इंडिया में MI नाम से मोबाइल का उत्पादन और सेल करती है और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसने जिस तरीके से रॉयल्टी के नाम पे धन दिया हुआ है, अमेरिका की दो कंपनी है और इसकी अपनी एक मूल कंपनी है, उसको जिस तरीके से इसने धन दिया हुआ है वो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ है. तो इस पर अभी ED जो है, प्रवर्तन निदेशालय, वो कार्रवाई कर रहा है. और फिर न्यूज़ है, सतर्कता डोज के तौर पर लगेगी स्पुतनिक वी की पहली डोज. इसमें ये बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं और स्पुतनिक आपको पता है ये रशिया की एक दवा है कोरोना से ही रिलेटेड. तो अभी ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही सतर्कता डोज के तौर पे लगाई जाती थी, लेकिन अभी इसको भी मंजूरी मिल गई है, ये भी लगाई जा सकती है. इसमें ये है, साक्ष्यों की राह पर ज्ञान वापी मस्जिद का केस. ये वहाँ पे
वाराणसी में एक मंदिर है। पहले क्या था कि मतलब इस तरीके से हम किसी भी मंदिर का साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए बोला गया है कि आप वहाँ पे जाइए, पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करिए और हमें साक्ष्य के तौर पे ले आके प्रस्तुत करिए, ताकि हम अच्छे से उस पे न्याय दे सकें। ये मैंने आपको कल बताया था कि 100 साल हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय, अब इसके 100 साल पूरे हुए। 1922 में इसकी स्थापना करी गई थी एक शिक्षण एकात्मक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में, और डॉक्टर हरि सिंह गौर DU के पहले कुलपति थे। और इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसका किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ, क्या 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 चीज़ें फिर नई नई इंट्रोड्यूस होती रहीं। तो आपको टाइम मिलेगा आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा थोड़ा सा मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में रविवार को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, गरज के साथ हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा दोपहर में लू भी चलेगी। इस वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी करा हुआ है, और 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली के शासन मॉडल में केंद्र की अहम भूमिका की जरूरत, ये उसी लिंक से रिलेटेड है कि यहाँ पे किसका शासन होना चाहिए, किसका प्रभाव, किसका दबाव अधिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें साफ़ कर दी गई हैं कोर्ट के द्वारा कि ये एक राजधानी जो है ये देश का चेहरा है, और इस पे प्रशासन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली के प्रशासन से ज़्यादा, दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज़्यादा, दिल्ली की राज्य सरकार से द्वारा से ज़्यादा केंद्र सरकार की होनी चाहिए। दिल्ली को मिल रही मांग के अनुरूप बिजली, ऐसा केंद्र कह रहा है कि मतलब जिस तरीके से हर राज्य में बिजली की कटौती हो रही है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी हमारे जो बिजली संयंत्र हैं और जो गैस आपूर्ति संयंत्र हैं, वो सब जैसे कि NTPC हो गया और दामोदर घाटी निगम भी हो गया, इस तरीके से पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सभी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वही है कि ये एक नेशनल कैपिटल है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि यही है कहीं ना कहीं पूरे कंट्री का एक किचन, जहाँ पे अगर फ्यूल अच्छे से नहीं मिलेगा तो हम सारे काम अच्छे से नहीं कर सकते। स्कूल में पढ़ाई, दूसरी न्यूज़ है, स्कूल में पढ़ाई करते बच्चों को अपने मोबाइल में देख सकेंगे अभिभावक। दिल्ली स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए और उनके अभिभावक के लिए अच्छी खबर है कि आप मॉनिटर कर सकेंगे कि आपका बच्चा क्लास में क्या कर रहा है और टीचर उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हर जगह पे कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो लगा दिए गए हैं, और मई के दूसरे सप्ताह से आपको ये देखने को मिल सकता है। ड्रोन से तलाशे जा रहे हैं छतों पर रखे पत्थर, तो वही है अभी जहांगीरपुरी में जो पत्थरबाजी हुई है, इसके बाद मतलब जिस तरीके से प्रशासन को ये पता चला कि पत्थर ये लोग, पत्थर और कांच की बोतलें ये लोग छत पे इकट्ठा करके लॉगिंग उसकी करके रखे हुए हैं, तो अभी ड्रोन से इस चीज़ की देख परख करी जा रही है कि सच में ऐसा है, रखे हैं, और अगर रखे हैं तो उसे हटा दें ताकि भविष्य में इस तरीके के आक्रमण से हमें निजात मिल सके। सरकारी विभागों के वाहन भी बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के दौड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता करने योग्य बात है कि अगर सरकारी चीज़ें इस तरीके की लापरवाही बरतेंगी तो फिर किस तरीके से यातायात अपने सुचारू रूप से चल सकेगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के खिलाफ है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये धारा 192 के तहत दंडात्मक कार्यवाही इसके लिए करी जाएगी, तो आप ऐसा मत करें। ये बताया गया है कि भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में प्रदूषण ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, 7 साल में सर्वाधिक प्रदूषित रहा अप्रैल। इसमें यही है कि इसकी मेन वजह ये बताई जा रही है कि ये जो धूल भरी आंधियां चल रही हैं और बारिश भी नहीं हुई है अभी मार्च अप्रैल में एक भी बार, तो इसकी वजह से ये जो धूल के कण हैं ये हवा में बिल्कुल तैर रहे हैं, और इसकी वजह से वायु की गुणवत्ता काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है।
फिर हम दूसरी न्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान की मेडिकल की डिग्री भी भारत में मान्य नहीं, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही क्लियर कर दिया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा भी, कि अगर आप पाकिस्तान से किसी भी तरीके की चिकित्सा की डिग्री लेके आते हैं या प्रमाण पत्र, तो आपको यहाँ के परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और वो डिग्री भी अमान्य मानी जाएगी। हालांकि 2018 में जिन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली है उनको कुछ छूट के साथ ऐसा करने दिया जाएगा। अभी हमारे जो 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो जनरल मनोज पांडे बन गए हैं। इसके पहले आपको बहुत अच्छे से पता है जनरल एम एम नरवणे जी थे जो कि अभी सेनानिवृत्त हो गए हैं, तो इनकी जगह जनरल मनोज पांडे ने ली है। इनका हम थोड़ा सा करियर अगर देखें तो प्रदेश सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली और भी इन्होंने भारत और चीन पाकिस्तान से लगी सीमा सहित कई सुरक्षा चुनौतियों का जबकि सामना कर रहा है देश, और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम से भी ये जुड़े रहे, तो मतलब इनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। जनरल पांडे शानदार करियर में कई अहम पदों पर काम किए हैं, विभिन्न इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों में भी इन्होंने भाग लिया है, अंडमान निकोबार कमान का प्रमुख भी रह चुके हैं और 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर में भी इन्हें शामिल किया गया था। और ऐसा बोला जा रहा है कि कोर ऑफ इंजीनियर के बाद इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाले ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन कम करने को केंद्र की नई योजना, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इनकी नई योजना है जिसके तहत वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी भी तरीके की नीड हो, उसकी पूरी आपूर्ति और पूरा ध्यान रखने की योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन कम हो सके। जो भी चीन और नेपाल और म्यांमार से लगे हुए जितने भी हमारे स्टेट हैं उनसे रिलेटेड जो भी सीमावर्ती गांव हैं उनके लिए ये पहल करी गई है। देश के 75 यूनिकॉर्न में इन मूवी भी शामिल हो गया। इन मूवी एक कंपनी मल्टीनेशनल मोबाइल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे संस्थान के पूर्व छात्रों नवीन तिवारी व अभय सिंघल ने मिलकर शुरू किया था। आज यह कंपनी अमेरिका समेत कई देशों में अपना कारोबार फैला रही है और व्यापार कर रही है। तो इसे अभी अमृत महोत्सव के 75 यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल कर लिया गया है, और यूनिकॉर्न होता है स्टार्टअप का एक बड़ा फॉर्म, ठीक है। अगर कोई आप स्टार्टअप करें तो स्टार्टअप हमारा होता है छोटे लेवल पे, और अगर वो उसका टर्नओवर पूरा इसमें बताया गया है कि 7,500 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी पूरी कीमत, तो वह स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके की कंपनी में 75 में ये इन मूवी भी शामिल कर ली गई है। पहली बार घर बैठे दे सकेंगे कंपनी सचिव की प्रवेश परीक्षा, जो भी 7 मई को ऑर्गेनाइज होने वाली है। इसमें आपको अपना माइक्रोफोन और कैमरा ऑन रखना होगा ताकि आपकी गतिविधि की पूरी नज़र रखी जा सके, और कमरे में आप लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे भी दे रहे हैं आपको कमरे में अकेले रहना होगा, और अगर आपके साथ कोई और पाया गया या आप नकल या इस तरीके के दूसरे आपत्तिजनक कामों में लिप्त पाए गए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि भविष्य में विद्यालयों में वेद उपनिषद और गीता जैसे पाठ्यक्रम को भी शामिल करने का प्रयास करा जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने को जल्द बनेगी कमेटी, ऐसा धामी जी ने कहा है, और उस कमेटी में ये न्यायविदों और सेनानिवृत्त न्यायाधीश समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य हितधारकों को भी शामिल करेंगे और इनसे समझबूझ के ही फिर ये आगे इसे लागू करेंगे। ये सारी राजनीति की ही चीज़ें हैं, आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सा है, विश्व शांति का रास्ता सिर्फ भारत के पास है, ऐसा मोहन भागवत जी कह रहे हैं जो आरएसएस के प्रमुख हैं। तो इनका काफ़ी पॉजिटिव ये कथन है, भाषण है। इनका कहना है कि अभी तक जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत लगी है भारत एक बहुत ही अच्छे से बहुत ही शांति वाले देश के रूप में सामने आया है, और ये ना सिर्फ एक
मतलब अपने देश में शांति बनाए रखता है, एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात हो, विश्व पटल पे भी अगर जहाँ पे भी ज़रूरत लगी है, ये बहुत ही गंभीरता से एक बड़े भाई का रोल प्ले किया है। तो विश्व शांति का रास्ता जो है वो भारत के पास से ही है, ऐसा ये कह रहे हैं। पीएम मोदी को 80 करोड़ को मुफ्त भोजन के लिए मिले नोबेल पुरस्कार। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक टाइम पे 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार वो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला हुआ था, WFC को, जबकि उन्होंने 11.5 करोड़ लोगों को महामारी के दौरान मुफ्त भोजन कराया था। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरीके 80 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को एक्चुअली मुफ्त में राशन वितरण किया है। तो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने के बारे में एक बार गंभीरता से विचार अवश्य किया जाना चाहिए, और बात सही भी है कहीं ना कहीं। बाड़मेर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर कर दिया गया, ये एक लाइन की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। DSP पर दूसरी न्यूज़ है, DFC पर कोयला लदी मालगाड़ी के दौरान 15 वैगन पलटे। इस तरीके से पावर कटिंग और कोयले की आपूर्ति को लेकर अफरा तफरी मची हुई है गाइस, की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बस इतना बताना था यहाँ पे। दूसरी न्यूज़ है, पावर प्लांटों की घरेलू कोयला पर बढ़ी निर्भरता किल्लत की एक बड़ी वजह। इस न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे 4 से 5 गुना ज़्यादा कोयले का दाम हो गया है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार को लेके हो या अभी एक से दूसरे देशों के बीच में जो तानाशाही जैसा माहौल बना हुआ है, उन चीज़ों को लेके हो। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोयले की आपूर्ति उतने अच्छे से ढंग से ना हो पाने की वजह से हमारी निर्भरता घरेलू कोयले पे बढ़ गई है, जिसका अभी खनन जो है 1,00,000 टन प्रतिदिन हो रहा है, तो इसकी वजह से किल्लत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ये बताया जा रहा है। चार धाम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर ली गई है, और ये देखिए 3 मई से जो यात्रा प्रारंभ होने वाली है, और इसमें बताया गया है कि बद्रीनाथ में 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 लोग जाके वहाँ पे इस तरीके से दर्शन कर पाएंगे और यात्रा पूरी कर पाएंगे। और यहाँ पे एक थोड़ा सा और आध्यात्मिक चीज़ है कि पुनर्जीवित होगी केदारनाथ की तेल कलश यात्रा, 70 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है, मतलब ये फिर से जीवित करने जा रहे हैं। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ही सुरक्षित ढंग से ऐसा कराया जाएगा, कोविड की चीज़ों को और सुरक्षा की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब अनिवार्य होंगे, और रात में 6 घंटे आवागमन यहाँ पे बंद रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, मतलब बहुत ही प्रॉपरली ये इसको नेविगेट करने वाले हैं। जैकलिन फर्नांडिस जो कि एक अभिनेत्री हैं, वो उनकी ED ने अभी 200 करोड़ जितनी संपत्ति जब्त कर ली है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिप्त पाई गई हैं, और इनके साथ जो एक हिस्ट्री सीटर हम कह सकते हैं, बहुत ही शातिर अपराधी सुकेश चंद्रशेखर, जो कि अभी जेल में बंद किए गए हैं, वो भी शामिल पाए गए कहीं ना कहीं। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि स्पूतनिक अभी सतर्कता डोज के तरीके लगने वाली है, और ये देखिए थोड़ी सी, अभी कल मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी हैं, ये हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे सैनिक ठिकानों पे रोहिंग्या को एक तरीके से अपना हथियार बना के और उनके तहत आतंक की कोशिश कर रहे हैं फैलाने की। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, अखनूर में सैन्य छावनी के नज़दीक घूम रहा रोहिंग्या दबोचा गया, जो कि था रोहिंग्या लेकिन एक्चुअली काम करता था आतंकवादियों के लिए। सीमा पार हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी का चलता था बड़ा नेटवर्क। ये LOC की बात करें, कुपवाड़ा से सटे हुए, वहाँ पे नार्को टूरिज्म जो कि नशे का आतंक होता है, उसकी साजिश चल रही थी, और ये लोग हिजबुल के कमांडर्स को ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब कि ट्रांसफ़र कर रहे थे। बहुत ही बड़ा और व्यापक नेटवर्क था पाया गया, और अभी कार्रवाई करी जा रही है। इसके बाद ये देखिए गाइस, थोड़ी सी सतर्क कर देने वाली न्यूज़ है, तमिलनाडु में एक और ई स्कूटर में लगी आग। तो अभी ई स्कूटर में, इसके पहले तेलंगाना
राज्य में ऐसी ही एक न्यूज़ आई हुई थी पिछले महीने, और अभी फिर से ही स्कूटर में आग लग गई। हालांकि जो चालक था उसने कूद के अपनी जान बचाई, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्या प्रॉब्लम है ये, इसकी जांच बिल्कुल करी जाएगी, और लेकिन आप भी अपने तरीके से थोड़ा सा सतर्क रहिए। ऊर्जा विभाग के सचिव को ही दे डाली कनेक्शन काटने की धमकी। ये इस तरीके की न्यूज़ है कि अभी गर्मी आई और जिस तरीके से बिजली की मांग बढ़ रही, तो जो जितने भी साइबर ठग हैं वो अभी बिजली विभाग के कर्मचारी बन के और फ़ोन कर रहे हैं कि आप अपनी बिजली बकाया राशि को जमा कर दीजिए टाइम से, अदरवाइज़ आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और ऐसे करने के क्रम में इन्होंने ऊर्जा विभाग के सचिव को ही इस तरीके की धमकी दे डाली। फिर धीरे धीरे शिकायत पे अभी जांच पड़ताल करी जा रही है, और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें फर्जीवाड़े के मामले देखे गए हैं। नवोन्मेष से दे रहे वायु और भूजल को नौजीवन। इसमें वही है कि एक्चुअली इसी से रिलेटेड है, जल निकायों का संरक्षण अब नन्हे हाथों के जिम्मे। यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल के बच्चे जो हैं वो अपने आसपास में फलदार वृक्ष और पौधे, इन सब चीज़ों को लगाएंगे, और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो चश्मा हैं, तालाब हो या फिर झील हो, चश्मा इस तरीके की होती है जो कि भूमिगत जल को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो पहले वो 2000 थी और अभी घटते घटते बहुत कम हो गई है, तो उसको फिर से ये लोग मतलब पुनर्जीवित करेंगे। और इसके लिए जो है यूरोप की मिसाल देते हैं कि वहाँ पे प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्टूडेंट के फॉर्म में हो या मतलब किसी भी एज ग्रुप का हो, वो अपना पर्सनल किरदार निभाता है जलवायु को और वाटर बॉडीज़ को और हमारे इन्वायरमेंट को आसपास के प्योर रखने के लिए और अच्छा रखने के लिए। तो हम उस मॉडल को क्यों नहीं अपना सकते, और ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें और विभाग से भी आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पंजाब में धान की सीधी बिजाई करने पर किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 1500 रुपये। इसको प्रोत्साहन इसलिए दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी रोपाई की, धान की रोपाई के लिए मतलब सीज़न आया है, अचानक बिजली आपूर्ति मतलब बिजली की मांग जो है वो 5000 मेगावाट तक बढ़ गई है। तो इस तरीके से ऐसे में यहाँ पे भगवंत मान ने ये अनाउंसमेंट करी है कि अगर आप सीधे बिजाई करते हैं बिना बेरन डाले और बिना खेतों को इतना ज़्यादा भरे, तो आपको 1500 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर दलेर सिंह ने ये तकनीकी अपनाने की सिफारिश करी थी, लेकिन ये कोविड, ये एक्चुअली इसे खारिज कर दिया गया लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन फिर बाद में जब कोरोना काल में श्रमिक वहाँ से पलायन कर गए, तो इन्होंने फिर से वो अपना वीडियो शेयर किया और लोगों को प्रोत्साहित किया। बाद में उनको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, और अभी इसको फिर से प्रोत्साहन गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर दे रही है। प्रकृति को दिया जीवित व्यक्ति का दर्जा। ये न्यूज़ है मद्रास हाई कोर्ट की, जिन्होंने प्रकृति को जीवित व्यक्ति, एक माँ का दर्जा दिया है, एक जीवित पर्सनालिटी का, मदर नेचर का दर्जा दिया है, और बोला है कि अगर हम इसे लिविंग एंटिटीज़ में रखते हैं तो हम इसके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा भावुकता से और साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। इच्छा शक्ति की कमी, यहाँ पे वही है, CGI कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा केस अलग अलग जगह पे मगब हुए हैं। अगर छोटे लेवल पे लाइक हमारे जो पंचायतें हैं और नगर निगम है, अगर वो अच्छे से अपना काम करेंगी तो लोग कोर्ट की तरफ नहीं आएंगे। अगर लेखपाल लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो भूमि अधिग्रहण वगैरह के लिए केस फालतू में हाई कोर्ट में नहीं आएंगे। अगर छोटे छोटे स्तर पे लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तो इतनी ज़्यादा मगब नहीं होगा केसों का। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी देखी जा रही है आप लोगों में, और स्टाफ की भी इतनी ज़्यादा कमी नहीं है जितना आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आलस और लापरवाही है जिसकी वजह से इतने ज्यादा केस पेंडिंग में चल रहे हैं। ये बात है महंगाई से मुलाकात का सिलसिला। इन्होंने ये दिन पर दिन जो सब्जियां और
नींबू विशेष करके, खाद्य तेल, ये सारी चीज़ें जो महंगी होती जा रही हैं, इस पर इन्होंने थोड़ा सा व्यंगात्मक लेख लिखा है कि मैं डेली इस तरीके से महंगाई से मिलता हूँ कि लगता है कि आखिरी दिन है, और जो गरीब होता है उसको रास्ते में लूटे जाने का डर नहीं होता और धोखेधड़ी का डर नहीं होता, उससे बस डर होता है एक चीज़ का कि वो महंगाई से डेली कैसे मिले, उसे कैसे फेस करे। यह है गर्म दुनिया में नई महामारी का खतरा। इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से अभी जलवायु हमारा, उसका तापमान 1.2 तक पहुंच गया है और पशु पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह पे व्यवस्थित करने के लिए, पलायन करने के लिए हमें ले जाना पड़ेगा, और ऐसे में हम एक से अधिक वायरसेस के चंगुल में आएंगे, उनके संपर्क में आएंगे, और वो हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएंगी। और ये चमगादड़ को लेके थोड़ा सा ज़्यादा परेशान है कि चमगादड़ वायरस के सबसे बड़े वाहक माने जाते हैं, और इनसे, और ये बहुत ही लंबी दूरी तय करते हैं उड़ने के लिए, और ऐसे में इनसे वायरस फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया में, जहाँ पर इनकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। कलाकारों लेखकों के सम्मान की राह, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी व्यंग ही है। ये बता रहे हैं कि मुंबई जैसे जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, वहाँ पे जगह जगह एक एक रोड का नाम हमारे कलाकारों के नाम पे रखे गए हैं, और दिल्ली में अभी तक इस तरीके की कोई पहल दिख नहीं रही है कि हम राजनेता के नाम पे या इस तरीके के जितनी भी अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम पे कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के संदर्भ में कुछ ऐसा करें। मतलब सिर्फ रोड पे नाम रखने, रोड का नाम रखने के संदर्भ में ही नहीं, कला और संस्कृति को ऑल ओवर बढ़ावा देने के लिए दिल्ली कहीं ना कहीं सुस्त दिख रही है, जो कि हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है और ऑल ओवर एक तरीके से कैपिटल है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि मुग़ल काल में जितने भी नाम रखे गए थे वो तो बिल्कुल ही नहीं बदले जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें, ऐसा ये बता रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को संरक्षित करें। पर्यावरण और बारिश के लिए आवश्यक गर्म हवाएं, ये एक्चुअली बात है कि जहाँ पे सब लोग लू से और इन सारी चीज़ों से परेशान हैं, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये भी एक्चुअली कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गर्म मतलब प्रेशर नहीं बनता है तब तक बारिश नहीं हो सकती है, तो ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। थोड़ा सा परेशानी हो रही है लेकिन इसकी वजह से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। स्वाधीनता संग्राम के गुमनाम नायक, एक्चुअली अर्जुन सिंह भदौरिया, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया भारत छोड़ो आंदोलन में, और इनका जन्म हुआ है इटावा में, और कमांडर के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, उसमें हम कई ऐसे क्रांतिवीरों से मिल रहे हैं जो अभी तक नॉन नेम्ड हीरो की तरह, बस इन्होंने अपना काम किया और अभी नहीं दिख रहे हैं। लाल सेना का गठन किया था इन्होंने और काफ़ी अच्छे से इन्हें सफलता भी मिली थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इस तरीके से इनका नाम आया है सामने। ये एक बुक है आचार्य प्रशांत की, जो YouTube पे भी अपना फ्री बहुत सारा कार्यक्रम चलाते रहते हैं, और ये काफ़ी तीखी वाणी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को लेके, थोड़ा सा तीखा बोलते हैं लेकिन तो यही इसमें ये कह रहे हैं कि भय मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, कि जब तक आपकी डिपेंडेंसी किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी मतलब समुदाय पे होगी तब तक आप जो है भय मुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा है। ये थोड़ा सा लेख निकला है हजारों वर्षों में फैले मानव सभ्यता के प्रश्न, वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, जिनको घुमक्कड़ी भी कहा जाता था, तो उन्होंने जो है नव संस्कृति जागरण काल में ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने पूरी संस्कृति को समेटा था, वोल्गा यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से लेके और इंडिया तक की जितने भी हमारे कबीलाई डेवलपमेंट हुए और किस तरीके से आर्य लोग आए और उनका इतिहास क्या रहा और वो किस किस तरीके के कार्य करते थे, उनका जीवन शैली उनकी क्या थी,
स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, मातृसत्तात्मक परिवार था या क्या था, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। तो ये पढ़ के हमें हमारे इतिहास से बहुत ही निष्पक्ष रूप से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो इसी पे ये इन्होंने व्याख्या दी हुई है। कोयला आयात करने को तैयार नहीं है राज्य, इसमें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि 4 गुना महंगा हो गया है अभी। सोने की अनिवार्य, दूसरी न्यूज़ है। हॉलमार्किंग का दूसरा चरण 1 जून से, तो ये सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग अभी मतलब हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है कि आप इसमें कोई भी राज्यवार और नेशनली इंटरनेशनली कोई भी वेरिएशन नहीं रहेगा। अगर आप हॉलमार्क गोल्ड कहीं पे भी ले जाके सेल करते हैं तो वो पूरे मतलब सब जगह पे आपको यूनी प्राइस ही उसकी मिलेगी, एक ही तरीके का दाम। इसके बाद मोबाइल फ़ोन स्मार्ट वॉच को अनिवार्य टेस्टिंग से छूट। अभी आप कहीं पे जाते हैं तो देखते हैं टेस्टिंग में, इन सब चीज़ों की भी टेस्टिंग होती है, तो अभी मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच को अनिवार्य टेस्टिंग से, जो कि आपकी POC मशीन द्वारा जांच करी जाती है, उससे छूट दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने 2017 में टेली कम्युनिकेशन में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनिवार्य टेस्टिंग का नियम लागू किया था और अभी जो है छूट मिली है इसमें। राव इंद्रजीत ने कहा बदलते परिदृश्य के साथ चलना IBC के लिए ज़रूरी। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शी कोड है, जो कि ये जो बैंक घोटाला वगैरह होता है और लेके धन फरार हो जाते हैं जितने भी इंसॉल्वेंट लोग होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि समय के साथ उसमें थोड़ा सा और उसे क्रिस्प करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी गाय पालने पर मिलेगी मदद, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। और असम में जिस तरीके से गायों को एम्बुलेंस सेवा शुरू करी गई है, गायों को जो कि हमारे मतलब प्राचीन काल से ही एक बहुत ही पवित्र पशु मानी जाती है और एक दुधारू पशु भी है, तो उसके संरक्षण के लिए अभी राज्यवार कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी ये राशि वाशि आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और रूस यूक्रेन में वही बताया जा रहा है कि 200 सैनिक मारे गए और 17 सैन्य ठिकाने बर्बाद किए गए। कराची यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद पाकिस्तान छोड़ रहे नागरिक, तो ये न्यूज़ भी है। 10 दिनों, ये दूसरी न्यूज़ है, पाकिस्तान में 10 दिनों के भीतर पोलियो का दूसरा मामला मिला। तो अभी इंडिया से तो इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन जब तक आसपास की कंट्रीज से ये फुल्ली इरेडिकेट नहीं होगा, वहाँ से आने जाने वालों से ये फिर से स्प्रेड हो सकता है, तो इसीलिए रूटीन वाइज फिर से ड्रॉप्स दिलाई जाती हैं। ये न्यूज़ है एक्चुअली, फिर से हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कराची यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद पाकिस्तान छोड़ रहे चीनी नागरिक। अभी पिछले दिनों में भी आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे हमले हुए और उसके बाद उन्हें सतर्क किया गया, चीन ने अपने नागरिकों को वहाँ पे सतर्क किया कि आप लोग थोड़ा सा देख सुन के रहिए और कभी भी आपके ऊपर भी हमले हो सकते हैं और अगर ऐसा पॉसिबल है तो चले ही आइए। तो अभी पता नहीं क्या हुआ है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है वो तो वही जाने। दक्षिण सूडान में तैनात भारतीय सैनिक UN मेडल से सम्मानित। यहाँ पे ये जो यूनाइटेड नेशन पीस के लिए जो हमारे कमांडेंट जो सैनिक जाते हैं, तैनात किए जाते हैं अलग अलग अशांति वाले क्षेत्रों में, ज़्यादातर ये क्षेत्र अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही ऐसा होता है कि वहाँ पे शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए UN से एफिलिएटेड होके वो जाते हैं, तो उसमें हमारे एक भारतीय सैनिक को UN मेडल से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत प्राउड की बात है। इसके बाद 8 मैच के बाद ही CSK ने बदला अपना कप्तान। अभी आपको पता था कि इन्होंने हर तरीके से संन्यास ले लिया था, तो रविंद्र जडेजा को कप्तान भी बना दिया गया था, और लेकिन 8 मैच के बाद थोड़ी सी उठापटक के बाद अभी फिर से CSK के कप्तान धोनी चुन लिए गए हैं, तो धोनी के लवर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज है। आर्थिक नीतियों की गहरी समझ रखने वाले सुमन बेरी, ये न्यूज में इसलिए हैं
क्योंकि ये जाने माने अर्थशास्त्री हैं और आर्थिक मामलों के लेखक डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये काफ़ी अच्छी इनकी समझ है इस मामले में और इनको नियुक्त करना एक अच्छा फैसला होगा, मतलब एक पॉजिटिव रिव्यू आएगा ऐसा बोला जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में भी कामगारों को सशक्त करने की मुहिम। असंगठित क्षेत्र का मतलब वही जो रेहड़ी वाले होते हैं और ये फेरी वाले होते हैं और मतलब जो गैजेटेड नहीं होते और जिनका नामांकन पूरी तरीके से दर्ज नहीं होता, जिनका इनकम टैक्स में कोई योगदान नहीं होता, उस तरीके के जो कारोबारी होते हैं वो असंगठित क्षेत्र के होते हैं, लेकिन अब उन्हें भी प्रॉपर नाम और एड्रेस देने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। एंटीबायोटिक से कम होता है टीके का असर। ये बताया जा रहा है कि अगर आप बहुत मात्रा में एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको अगर कोई टीका दिया जाएगा तो वो बेअसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी डेवलपमेंट वो नेचुरल नहीं रह जाएगी, वो दवाओं पे ही निर्भर हो जाएगी। और टीका किस लिए दिया जाता है कि थोड़ा सा आपकी बॉडी उस चीज़ को पहचान के, उस बीमारी को पहचान के एंटीबॉडी डेवलप कर सके। तो यही बताया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीके का असर थोड़ा सा कम हो सकता है। ये एक न्यूज़ है जंगल की आग, ये एक्चुअली यूपीएससी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। जंगल की आग से सौर ऊर्जा का उत्पादन कम। इसमें ये है कि ये जो धुएं के गुब्बारे हैं ये ऊपर जाके आसमान में और एरोसोल का निर्माण कर ले रहे हैं, जिससे सूर्य की रोशनी प्रॉपरली हमारे संयंत्रों पे पड़ नहीं रही है और उत्पादन में बहुत कमी आ रही है, मतलब 40-49% की कमी आ चुकी है। ये तो आपको मैंने बता दिया, जलवायु परिवर्तन से बढ़ेगा महामारी का खतरा, तो वही है यहाँ पे। तो ये थी आज की न्यूज़ का इस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी अभी तक पेशेंसफुली, और आपने जो कुछ भी सीखा होगा वो आप कमेंट में बताइएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान